नमस्कार, शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में यहाँ पे करवाएंगे, बिल्कुल डिटेल में कराएंगे, आपको हर एक चीज कराएंगे। अलाइड सर्विसेज एग्जाम में पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी, पटवारी, पुलिस, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको याद रखनी है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है शिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कहां पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। और पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहां पर है, ये नेपाल में है, हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलती है। और देखिए इंडिया की इंक्लूडिंग पीओके अगर मैं बात करता तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन, क्या बोलते हैं आप इसको, K2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, K2 चलाक्रम 2। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर देखिए विदाउट पीओके अगर मैं बात करूं तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, ये कहां पर है, सिक्किम में है। ठीक है, तो कंचनजंगा आपका नेशनल पार्क कहां पर है, सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जाओ कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरी यहाँ पे करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया शिला के बारे में, शिला किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, 7026 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ध्यान देना है रियो पारगिल, रियोपुरजिल, ये भी कहां पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी ऊंचाई 6791 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। पार्वती पर्वत, ये कहां पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, पार्वती नदी का उद्गम स्थान यहां पे होता है, पार्वती नदी मानतलाई झील से निकलती है, यह आपको याद रखना है। मनीरेंग कहां पर है, याद रखेंगे कि मनीरेंग लाहौल को स्पीति से जोड़ती है। ठीक है, लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलती है, करीब करीब इसकी जो हाइट है 6597 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं शिपकी कहां पर है, किन्नौर में है। ठीक है, तो 6608 मीटर के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। किन्नर कैलाश, ये कहां पर है, किन्नौर में है, 6500 मीटर के आसपास इसकी आपको हाइट देखने को मिलेगी। डिब्बी बोकरी कहां पर है, कुल्लू में है, और 6400 मीटर के आसपास आपको हाइट देखने को मिलेगी इसकी। गेफांग लाहौल स्पीति में है, 6400 मीटर के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। शिगरीला कहां पर है, लाहौल स्पीति में है, 6230 मीटर के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इंद्रासन की मैं बात करता हूं, यहां पे इंद्रासन लिखेगा, इंद्रासन है आपका कुल्लू में, जनरली मनाली में आपकी है। ठीक है, और देखिए 6220 मीटर के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए शिखर बेहू और मुकर बेहू दोनों ही कहां पर है, लाहौल स्पीति में है। शिखर बेहू को जो हाइट है वो 6200 के आसपास है। ठीक है, और मुकर बेहू की जो हाइट है वो है 6070 मीटर के आसपास। गेफांगो लाहौल स्पीति में है, गेफांगो लाहौल स्पीति यानी कि 6050 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और सोलांग कहां पर है, कुल्लू में है, 5975 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। मेवा कंदिनू कहां पर है, कुल्लू में है। ठीक है, 5944 मीटर के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। पीर पंजाल कहां पर है, चंबा में है। ठीक है, 5972 मीटर के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। हनुमान टिब्बा कहां पर है, कुल्लू में है, ये कांगड़ा कुल्लू कांगड़ा को कनेक्ट करता है, कुल्लू और कांगड़ा में ही आपकी। ठीक है, तो 5860 मीटर के आसपास आपको हाइट इसकी मिलेगी। अब आप आगे देखिएगा बड़ा खड़ा, तो बड़ा खड़ा कहां पर है, ये है चंबा में, चंबा भरमौर में, याद रखेंगे 5860 मीटर के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। कैलाश किसको बोलते हैं, मणिमहेश को बोल रहे हैं, चंबा में आपको देखने को मिलेगा, भरमौर में 5660 मीटर के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। अब देखिए शालतू दा पार, ये कहां पर है, लाहौल स्पीति में है, तो 5650 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। परांगला कहां पर है, कुल्लू में है, और इसकी भी जो हाइट है 5579 मीटर के आसपास इसकी है। उमाशिला कहां पर है, कुल्लू में है। शीतदार कहां पर, कुल्लू में। श्रीखंड कहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर डेथ्स भी होते हैं, श्रीखंड कहां पर, कुल्लू में है। तमसर कहां पर, चंबा में है। तो उमाशिला की जो है हाइट कितनी है, पता है किसी को, ध्यान देना है, उमाशिला की हाइट है 5294 मीटर के आसपास। शिखंड
की हाइट कितनी है, तो शिखंड की हाइट है 5182 मीटर के आसपास, और शितिधार जो कुल्लू में है उसकी हाइट कितनी है 5290 के मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तमसार चंबा, चंबा में है 5080 मीटर की इसकी हाइट है। लचालंगला लाहौल स्पीति में है, ठीक है, 5060 मीटर के आसपास की हाइट है। मुरांगला लाहौल स्पीति में है, ठीक है, 5060 मीटर की इसकी हाइट है। और श्रृंगला जो लाहौल स्पीति में है, ये आपकी जाओ 4999 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। इंद्र किला हो गया, पिन पार्वती होगा, घोतनाथनी होगा, प्रदालसु हो गया, ये सब कहां पे, कुल्लू में है। तो इंद्र किला की हाइट आपको याद रखनी है कि इंद्र किला जो है 4940 मीटर के आसपास है। पिन पार्वती में आपको बताया कुल्लू में ही है, ठीक है, और 4800 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, ठीक है। घोरातनतनो कुल्लू और कांगड़ा में है, जैसे कि हनुमान टीबा कुल्लू और कांगड़ा में, ठीक है। तो घोरातनतो की जो हाइट है वो 4760 मीटर के आसपास है। पतालसु कहां पर है, कुल्लू में है, ठीक है, पतालसु कहां पर है, कुल्लू में है, 4470 मीटर के आसपास की हाइट है। गौरी देवी टीबा कहां पर है, चंबा में है, और याद रखना 4030 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। हरगारन कहां पर है, लाहौल स्पीति में है, 3850 मीटर के इसकी हाइट है। नरसिंह कटिबा कहां पर है, चंबा में है, और 3730 मीटर की इसकी हाइट है। और देखिए साचा कहां पर है, कुल्लू में है, 3540 मीटर की इसकी हाइट है। और चोलांग कहां पर है, कांगड़ा में है, 3270 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है वो है शिला, पूरे ऑल ओवर हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला है। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मनीरेंग है, ठीक है। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डिब्बी वोकरी है कुल्लू की, ठीक है। चंबा की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, पीर पंजाल चंबा की है। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हनुमान टिब्बा है, ठीक है। शिमला की चांशल चोटी, याद रखना चांशल चोटी कहां पर है, शिमला में है, जहां से चंद्रनाहन झील झील जाओ है आपकी, ठीक है। याद रखना है मंडी की जो है नागरू चोटी सबसे ऊंची है, याद रखना है। सिरमौर की चूड़धार चोटी सबसे ऊंची है। सोलन की माउंट करोल, माउंट करोल कहां पे, सोलन में है, ये सबसे ऊंची चोटी है सोलन की, ठीक है। बिलासपुर की बहादुरपुर हिल्स बिलासपुर में है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ऊना में आपको देखने को मिलती है भारवेन, ये सबसे ऊंची चोटी है। और हमीरपुर में आपको अवाह देवी जो टेम्पल है, जहां पे अवाह देवी जो चोटी है वो आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी हमीरपुर में, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए जाखधार कहां पर है, तो जाखधार कहां पर है, हमीरपुर में है, ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जास्कर श्रेणी कहां पर है, जास्कर श्रेणी कुल्लू और लाहौल स्पीति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चूड़ चांदनी कहां पर है, तो चूड़ चांदनी है शिमला के दक्षिण में, यानी कि मतलब चूड़धार को बोलता है चूड़ चांदनी, ये आपको आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाटू पीक कहां पर है, तो हाटू पीक आपको नारकंडा एरिया में देखने को मिलेगी शिमला में, ये आपको आ सकता है कहीं पे, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे सोलह हस्तिंगी धार, ये कहां पर है, हमीरपुर में है, कहां पर, ये हमीरपुर में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को। देखो अलाइड सर्विसेज एग्जाम में एचपीजीटी टीजीटी जेबीटी पटवारी पुलिस पंचायत सेक्रेटरी इन सभी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और 100% आपको आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, जय हिंद।